उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र आसफाबाद स्थित मां कैला देवी हॉस्पिटल पर आज सीएमओ डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ के निर्देशन में सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और यहां निरीक्षण करने के बाद उक्त हॉस्पिटल को सीज कर दिया। इस बारे में उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। इस समय टीटीजेड में होने की वजह से यहां पर 2016 से सर्टिफिकेट बन नहीं रहे हैं। 12 अस्पताल हैं जो इलीगल चल रहे हैं, वो टारगेट पर हैं। जब यहां आए तो देखा कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। फिलहाल इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है, बाकी आगे अन्य कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। ज्ञात हो कि बीते दिन इसी थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला के साथ हर दर्जे की बदतमीजी व उसके बच्चे का मृत होने का मामला चर्चा में रहा था, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई सामने आई है। वहीं यहां भर्ती मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भिजवाया गया। फिरोजाबाद से श्री कृष्ण चित्तौड़ी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या बता रहे हैं आप जो फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं? फर्जी हॉस्पिटल देखिए, फर्जी केवल इन लोगों में यही प्रॉब्लम है कि पॉल्यूशन की रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, पॉल्यूशन की NOC का, और वो पॉल्यूशन की NOC वो तो शासन प्रशासन से नहीं हो पा रहा है। वो उसमें ये नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल में और बाकी चीज़ की कमियाँ हैं। हम मानते हैं कि कोई किसी भी चीज़ में एक चीज़ की कमी हो तो वो इनकम्प्लीट ही मानी जाती है, और उसको उस तरीके रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के तो सब चीज़ें अवैध ही कही जाएंगी। आप किस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं? हम इसी हॉस्पिटल में। क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? कैला देवी हॉस्पिटल। क्या इसका रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल नहीं हुआ इसका। इसकी NOC आपने कब प्राप्त की? सर आयो फिर निकलवाएंगे। इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। इसकी NOC आपने कब प्राप्त की? सर NOC कब मिली है? 10 इस हॉस्पिटल को खोले हुए कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष हो गए। 2016 के बाद कोई भी NOC जारी नहीं हुई शासन आदेश के आधार से, आपको कैसे मिली? ऑनलाइन कराया। NOC जब NOC का रिन्यूअल ही नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? रिन्यूअल का इसका NOC नहीं है ना? हाँ। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारे डॉक्टर आगरा से आते हैं जो फर्जी तरीके से हैं, वो डॉक्टर नहीं है, क्या बता रहे हैं इसके बारे में जानकारी दीजिए। बहुत सारे व्यक्ति जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, केवल OT असिस्टेंट किसी सर्जन के साथ काम सीख लिए हैं, वो यहाँ फिरोजाबाद और सुखाबाद के बहुत सारे क्लिनिक्स हॉस्पिटल में आके सर्जरी करते हैं बिना BOC के डॉक्टर के। खुद ही BOC भी लगाते हैं, खुद ही सर्जरी भी करते हैं, और कोई नाम फंसता है, कोई किसी अन्य सर्जन का नाम बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर किसी मरीज का कोई केस फंस जाता है तो वो डॉक्टर सर्जन का नाम बता के निकल जाता है। नहीं सर, ये किस तरह से कार्रवाई हो रही है केला देवी हॉस्पिटल पर? देखिए, ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पास में पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि इस समय TTZ में होने की वजह से यहाँ पर 2016 से बन नहीं रहे हैं जी। हाँ, इनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ था लेकिन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अभी तक उन्होंने जमा नहीं किया है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ी है। सर, लगभग कितने अस्पतालों को टारगेट बनाया गया है इस पूरी कार्रवाई में? इसमें टोटल करीब 12 अस्पताल हैं जो इलीगल चल रहे हैं, जिनके पास पॉल्यूशन का नहीं है, और बाकी जो इलीगल खुले हुए हैं उनको टारगेट है 12 अस्पतालों को सील करना। और इसके अलावा क्या कमियां मिली हैं आपको इस हॉस्पिटल में? इस हॉस्पिटल जब मैं यहां पर मैंने और डॉक्टर SM गुप्ता जी, वो भी ACU हमारे साथ में हैं, दोनों की टीम बनी हुई है, जब हमने यहां पर हॉस्पिटल में आया तो यहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था उस समय जी। सर, जो अस्पताल ताले लगा करके गायब हो गए हैं, ऐसे अस्पतालों में किस तरीके की कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी आपके द्वारा? नहीं, अभी तो आप लोगों का देखिए, जब जैसे वो खुलता है वैसे ही आप हमें तो हमको बताएं तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये कब तक कार्रवाई हो रहेगी, जारी रहेगी आपकी? नहीं, अभी तो ये आज से स्टार्ट कर दिया, ये प्रक्रिया चलती है। यहाँ कितने पेशेंट आपको मिले? यहाँ 5 पेशेंट थे। क्या किया गया पेशेंटों को, क्या किया जा रहा है? इसमें 3 पेशेंटों को हमने जिला अस्पताल का जो ट्रॉमा सेंटर हमारा है वहाँ एम्बुलेंस से भिजवा दिया 108 से, बाकी उन्होंने छुट्टी कर दी है। कार्रवाई में क्या कर रहे हैं आप, सीज कर रहे हैं हॉस्पिटल को या अस्पताल को बंद किया जा रहा है?